हमेशा खुश रहिए। आई एम डॉक्टर अंचित फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ फिजियोथेरेपी एंड डायग्नोस्टिक्स फ्रॉम ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक ऑन फिटनेस, अगेन डिस्कसिंग फिजियोथेरेपी इन फिटनेस एंड स्लिमिंग। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वार्म अप इन फिटनेस एंड एक्सरसाइजिंग। वार्म अप इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। जितना ज़रूरी वार्म अप है उतना ही ज़रूरी कूल डाउन है। तो वार्म अप को इतनी अहमियत क्यों जाती है? वाई डू वी ऑलवेज हेयर डैट यू शुड ऑलवेज वार्म अप? सो लेट अस लर्न द फिजियोलॉजी बिहाइंड वार्मिंग अप। वॉट इज एक्चुअली वार्म अप? हाउ डज वार्म अप हैपन्स? सो प्रायर टू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज और प्रायर टू एनी स्पोर्ट, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू डू सम वार्म अप। तो ये वार्म अप एक्चुअली होता क्या है? वार्म अप जैसे हमको नाम से समझ में आ रहा है, वार्म अप इज़ अ प्रोसेस ऑफ वार्मिंग अप द बॉडी। वार्मिंग अप द बॉडी कैसे करते हैं हम? हम जो भी एक्टिविटी शुरू करने वाले हैं उससे पहले हम कुछ माइल्ड एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि जॉगिंग ऑन अ स्लो पेस, जैसे कि जंपिंग, जैसे कि स्ट्रेचिंग, जैसे कि रनिंग अराउंड एट स्लो पेस एंड डूइंग सम एक्सरसाइजेस। अब ये सब करके होता क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट वी गेट आउट ऑफ वार्मिंग अप? सो वार्मिंग अप का जो एक सबसे बड़ा जो फंडा है करने का, डैट इज़ टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होती है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं वार्म अप का, लेट अस से डैट। तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वार्मिंग अप का, डैट इज़ द ब्लड फ्लो इज़ इंक्रीज। तो जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो सडनली कोई भी एक्टिविटी करने से पहले हमेशा किसी भी चीज़ को धीरे धीरे इनिशिएट करना चाहिए, अदरवाइज जो आपका कार्डियक सिस्टम है वो एकदम शॉक में आ जाता है। एग्जाम्पल, आप एकदम स्टेशनरी बैठे हुए हैं, एकदम बैठे बैठे आपका हार्ट रेट अभी रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे है, तो हार्ट को ये पता है कि आप बैठे हुए हैं, तो वो आराम से बीट कर रहा है। वो 72 बीट्स नॉर्मली होती हैं, तो वो 70 भी बीट्स करता है। एडल्ट्स के अंदर हार्ट बीट थोड़ी स्लो हो जाती है, 65 हो जाती है, 68 हो जाती है, एंड आप सडनली एकदम भागना चालू करते हैं, तो डैट विल पुट अ रश ऑन टू द हार्ट, जिस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं होता। तो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप हार्ट को प्रिपेयर करो, हार्ट के साथ साथ आप पूरी बॉडी को भी प्रिपेयर करो। तो जब भी हम वार्म अप करते हैं, व्हाट हैपेंस इज स्लोली इफ़ वी स्टार्ट डूइंग समथिंग, एक तो आपके बॉडी को पता चलता है कि ठीक है, वी आर अबाउट टू स्टार्ट समथिंग, और जो धीरे धीरे जो हमारा ब्लड है वो धीरे धीरे सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और मसल्स को पहुँचना शुरू हो जाता है। एट रेस्ट पे क्या होता है कि हमारी जारी सारी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, तो वो उनको ब्लड मिल रहा होता है, बट द अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई टू द एक्सट्रीमिटीज़ जो रेस्ट पे होती हैं वो इतना ज़्यादा नहीं होता। किसी भी एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए, किसी भी बॉडी का मोशन इन्वॉल्व करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। द मसल रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर डूइंग इट्स फंक्शन। तो एट रेस्ट पे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रहा होता मसल को, क्योंकि वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रही होती है। अगर हमने सपोज खाना खाया है, डाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, तो उस समय सारा ब्लड डेविएटेड होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। एक्सट्रीमिटीज़ में ब्लड आ रहा होता है लेकिन उतना नहीं आ रहा होता। तो वार्म अप क्या करता है? द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज़ बीइंग सप्लाई टू द मसल इज़ इंक्रीज्ड। तो ज़्यादा ब्लड जाता है, ज़्यादा ब्लड जाने से क्या एडवांटेज मिलता है? हमको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है वहाँ पे। ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है तो मसल अच्छे तरीके से काम करती है। जब उसको पूरा खाना मिलता है अपना, तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी हो जाती है। तो जब उसको अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, सेकेंडली क्या होता है, वार्म अप से हमारा बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है। जब बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है तो उससे क्या एडवांटेज मिलता है हमको? रेज टेम्परेचर हेल्प्स इन बेटर नर्वस कंडक्शन। नर्वस कंडक्शन जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब जितना भी हम ब्रेन से सिग्नलिंग जारी है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं, जो हमारे रिएक्शंस हैं, वो बढ़ जाएंगे हमारे। तो हमने ब्लड सप्लाई बढ़ा दी, ब्लड सप्लाई की वजह से हमने उसको ऑक्सीजन बढ़ा दिया, उसके बाद हमने बॉडी का टेम्परेचर राइज करा दिया, जिससे हमारा जो न्यूरल कंडक्शन है वो बढ़ गया। तीसरा बड़ा एडवांटेज क्या होता है वार्म अप करने का? डैट आर जॉइंट्स ओपन अप। जो हमारे स्टिफ जॉइंट्स होते हैं तो वो थोड़ा सा वार्म अप करने से खुल जाते हैं और एक्टिविटी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को बैठे बैठे बहुत देर तक बैठे बैठे कई बार नी स्टिफ हो जाते हैं, या अगर हम किसी पर्टिकुलर वेट एंगल में बैठे हुए हैं तो हमारे एंकल्स के ऊपर वेट देके बैठे हुए हैं, तो वो वहाँ पे स्टिफनेस हो जाती है एकदम। उसके बाद हम एक्टिविटी करते हैं तो देर इज़ अ वेरी मच लार्जर चांस ऑफ इंजरी। तो वो क्या करता है, जब हम वार्म अप करते हैं तो डैट जॉइंट ऑल्सो ओपन्स अप, सो डैट इट कैन गिव यू मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन। तो अगर हम रनिंग कर रहे हैं या हम कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो जॉइंट प्रिपेयर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको कोई अपर रिम की एक्टिविटी करनी है
तो हम पूरा शोल्डर को अच्छे से ओपन अप करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। स्ट्रेचिंग भी एक पार्ट ऑफ वार्म अप ही होता है। ये क्या करता है, हमारी मसल्स की एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ाता है, हमारा जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन एंड रेंज ऑफ मोशन तक लेके जाता है और प्रिपेयर करता है। इन सारी चीज़ों से क्या होता है, एडवांटेज होता है, एक तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारा प्रिपेयर हो जाता है, दूसरा जब हमारी मसल्स रेडी हैं, वार्म्ड अप हैं, पूरा ऑक्सीजन है, तो अपना मैक्सिमम कैपेसिटी से वो काम कर सकती हैं। इन सब का एडवांटेज हमको ये मिलता है कि हमको इंजरी नहीं होती है, जैसे को हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी या स्पोर्ट्स इंजरी बोलते हैं, या जैसे हमने बिना कोई भी वार्म अप किए कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो बहुत बड़ा चांस होता है मसल इंजरी होने का, जिसमें से सबसे जो कॉमन चीज़ होती है वो मसल पुल होना होता है। उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जब हमारी मसल प्रिपेयर्ड नहीं है, जब हमारी मसल अच्छे से वार्म्ड अप नहीं है, टेम्परेचर उसका बड़ा नहीं है, जॉइंट अच्छे से खुला हुआ नहीं है, तो जो हम मोशन करते हैं उसकी वजह से किसी भी या तो मसल का या लिगामेंट का या टेंडन का टीयर्स होने की पॉसिबिलिटी होती है। ये सब चीज़ें प्रिवेंट करने के लिए सबसे बड़ा जो हमारा एम होता है वो दो ही एम होते हैं, एक तो किसी भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए, और दूसरा जो जॉइंट है ओपन अप करने के लिए और हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए। तीसरा, हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो भी प्रिपेयर्ड होता है। जब जब भी हम वार्म अप शुरू करते हैं तो हमारा माइंड भी माइंडसेट वो बना लेता है कि ठीक है अब हमको एक्सरसाइज करनी है या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो उसका सारा फोकस उसकी तरफ चला जाता है। सो ऑल दिस ऑल्सो हेल्प्स एंड टू गिव अस मैक्सिमम पोटेंशियल आउट ऑफ द एक्टिविटी डेट वी आर सपोज टू डू। सपोज़ अगर आप बैठे हुए हो, आप कोई काम कर रहे हो, आपका दिमाग काम में लगा हुआ है, कोई परेशानी चल रही है, आप कुछ सॉल्व कर रहे हो, और एकदम से आपको कोई एक्टिविटी करने लगती है तो माइंड डबल डबल हो जाता है, उसको वहाँ काम करे या यहाँ काम करे तो मैक्सिमम आउटपुट अपना नहीं दे पाता। लेकिन जब आप वार्म अप करते हो तो माइंड को पता चल जाता है ओके नाउ वी आर अबाउट टू डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज, तो अपना सारा फोकस वो वहाँ से हटा के अब उस एक्टिविटी की तरफ लगा देता है जिसमें आप उसको लेके जाने वाले हो। सो दिस इज़ अ मेजर एडवांटेज जिसकी वजह से होता है। तो इसमें हमारी मसल प्रिपेयर करते हैं, जॉइंट प्रिपेयर करते हैं, नर्वस कंडक्शन इंप्रूव करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है, इन सब चीज़ों से क्या होता है अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है। ये सब चीज़ें तो हो गई हमारी एक्सरसाइज करने से पहले, डैट इज़ अ कॉल्ड आर वार्म अप पीरियड। इतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है हमारा कूल डाउन पीरियड। कूल डाउन पीरियड क्या होता है, जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, कोई भी एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत देर से भाग रहे हैं, मैराथन रन कर रहे हैं, जब भी उसको एंड करना होता है तो हम कभी भी सडनली एंड नहीं करते हैं। किस रीज़न के लिए, कुछ रीजंस तो वही सेम है। होता क्या है कि जब भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारा ब्लड बहुत तेज़ तेज़ पम्प कर रहा है, इसका मतलब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ हुआ है, तो कभी हम एकदम से सडनली जब स्टॉप करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर एकदम ड्रॉप कर सकता है, जिसकी वजह से हमको चक्कर आ सकते हैं या कोई हमको दिक्कत हो सकती है। तो उस ब्लड प्रेशर को धीरे 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 नॉर्मली लाने के लिए हम कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन कैसे करते हैं, द स्पीड जिस स्पीड से हम कर रहे होते हैं उस स्पीड को आखिरी के 7-8-10 मिनट तक धीरे 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 करके एकदम सीज तक ले आते हैं। तो उससे जो हमारा ब्लड फ्लो है वो भी धीरे धीरे कम होता है, वी आर एबल टू कैच ऑन आर ब्रेथ, हमारी जो सांस फूल रही होती है तो, या फिर ब्रेथ रेट हमारा बहुत ऊंचा चला जाता है या ब्लड प्रेशर हमारा ऊपर चला जाता है, तो ये ब्लड प्रेशर को भी नीचे लेके आता है, साथ में हमारी ब्रेथ को भी ढंग से कैच कराता है, यानी जो हमारी सांस फूल रही होती है वी आर एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ इट, एंड फाइनली वी आर एबल टू ब्रीथ नॉर्मली, डैट इज जो हमारा नॉर्मल ब्रेथ रेट होता है 15 से 16 ब्रेथ्स पर मिनट, वहाँ तक लेके आता है कूल डाउन। सेकेंडली, जो हम जॉइंट्स हमारे सारे इन्वॉल्व होते हैं एक्टिविटीज़ के अंदर, तो कूल डाउन में भी इट इज़ ऑलवेज एसेंशियल टू डू सम काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग से क्या हेल्प मिलती है, जितनी भी मसल्स ने पार्ट लिया होता है एक्टिविटी के अंदर उसको आप जब प्रॉपर स्ट्रेच करके छोड़ते हो तो जो सोरनेस डेवलप होती है, डैट इज़ समटाइम्स डेवलप डॉम्स डेवलप हो जाते हैं, डैट इज़ डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस। तो मसल की टेंडेंसी होती है कि जब भी आप उससे काम कराओ तो वो सोर हो सकती है, तो एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी जब आप उसको कूल डाउन कराते हो तो वो सोरनेस ख़त्म हो जाती है, वो सोरनेस डेवलप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आप उसको एकदम स्ट्रेच करके पूरी पोजीशन में लाके छोड़ते हो। क्योंकि क्या होता है, एक्टिविटी करते करते मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और कई बार कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाती है, क्योंकि टेंस हो जाती है मसल काम करते करते, या कई बार फेटीग के बाद भी वो टेंस हो जाती है, तो वो टेंशन मसल की टेंशन खोलने के लिए, उसका जो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया है उसको खोलने के लिए स्ट्रेचिंग ज़रूरी होती है। तो जब आप स्ट्रेच करते हो तो मसल अपने आप वापस अपने रिलैक्स्ड फॉर्म में आ जाती है, जैसे कि आप एक्टिविटी करने से पहले जिस फॉर्म में थी वैसे ही आ जाती है, आपका हार्ट रेट भी पहले जैसा हो जाता है और आपका ब्रेथ रेट भी पहले जैसा हो जाता है।
सो इसलिए एक्सरसाइज करने से पहले हमेशा कूल डाउन भी इम्पोर्टेंट होता है कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को से बचने के लिए, प्रिपेयर्डनेस के लिए और मसल इंजरी से बचने के लिए। उसी तरीके से कूल डाउन होता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर रिस्क से बचने के लिए, मसल की सोरनेस को प्रिवेंट करने के लिए और एक्सटेंसिबिलिटी बनाए रखने के लिए। सो दिस वॉज द सेशन ऑन वार्म अप एंड कूल डाउन। आई होप आपको समझ में आ गया। इन केस ऑफ एनी क्वेरी डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच। दिस सेशन वॉज ब्रॉट यू बाय ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी डिजिटल प्लेटफॉर्म 2.0। थैंक यू।